शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लो और इस बेल घंटी को दबा दो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं गाइस सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में दिया हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा तो इस तरह से आपको ऑप्शन होगा तो उसके बाद आपको चूज पिक्चर पर क्लिक करना है उस पर आपको एक फ्यूचर पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें जैसे कि मैं इस सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा सिंपली आप फॉलो कीजिएगा जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे आप कीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी तो इस सब बैकग्राउंड पिक्चर है उसको ऑफ़ करके उसके बाद कलर पर आपको सिलेक्ट करके कोई भी कलर लेना है जिससे कि मैं ब्लू ले रहा हूँ और उसको आपको सेव कर देना है उसके बाद आपको फिर से बैक आना है उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप फ्रेम साइज भी अपना मन से चूज कर सकते हैं तो मैं इसको ले लिया उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पहले से इसको तो आपको जीरो रखना है उसके बाद नीचे आइएगा तो साइज एट पोजिशन उसके बाद आपको यहाँ पे उसको ऑफ कर देना है उसके बाद ओरिजिंटल में और फेटिकल में दोनों आपको पचास पचास रखने हैं मानी कि बीच में रखना है उसके बाद रोटेशन सेटिंग है तो उसका करने के बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद स्पीड को आप थोड़ा सा कुछ और बढ़ा सकते हैं या तो फिर उतना ही रख सकते हैं मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसके बाद ये उसको आपको एकदम जीरो रखना है उसके बाद आप फिर से आप ऊपर की तरफ कीजिए वहाँ पर आपको सेट सेटॉल पर उस पर क्लिक करके बाद इससे होगा तो इसको आपको रिकॉर्ड करने कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर से अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको पहले ये स्टेप करना है उसके बाद आपको सिंपली फिर से आपको अपना कानी महाटर पर चल जाना है तो चलिए तो मैं ओपन किया उसके बाद आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेने है, जो कि आप रिकॉर्ड कर चुके हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए इस तरह से करना है उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छा था या नहीं सिंपली देखिए मैं इसको उसके बाद आपको ये फ्रेम है जो मैं डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दो तीन चार फ्रेम डाल दिया है आपको जो भी पसंद लगे उसके बाद इसको सेव कर ले सिंपली देखिए तो मैं सेव करके कर रखा हूँ तो आपको इस, इसको मैं पैक कर ले रहा हूँ फिर से देखिए इस फिर से आपको मास्टर पर ओपन करना है उसके बाद फिर से आपको वही बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जो भी आप ले सकते हैं मैंने अब यह तो वीडियो भी बैकग्राउंड ले सकता है मैं एक पिक्चर बैकग्राउंड ले लिया मैं जैसे कि मैं अगले वीडियो में बनाया हूँ तो अगर आप अगले अगले वीडियो मेरा नहीं देखने है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं उसके बाद आपको सिंपली वो वीडियो जो आपको वीडियो करके सेव किया था उसको ले लेने हैं लेने के बाद उसको देखिए इस तरह से आपको इतना आप पाँच सेकंड पर इसको क्रॉप कर लें इस तरह से उसके बाद यहाँ पे इतना रखना है उसके बाद यहाँ पे देखिए आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं जैसे कि मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसके बाद आपको सिंपली देखिए इस वीडियो पर क्लिक करना है फिर से इस पर उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप कट कर लिए इसके बाद यहाँ पे आप कीपोर्ड क्लिक करके उसको प्लस पर करके ओपन करना है उसके बाद फिर देखिए इस तरह से इसको एनिमेशन आपको बनाना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ वीडियो पूरा फॉलो कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा इसे ओवर ओवरहाइड कर देते हैं यहाँ पे सिंपली तो देखिए एनिमेशन बन गया यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा उसके बाद इसको पर ऑप्शन करके इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बुलदर भी कर दे रहे हैं उसके बाद फिर से आप वो मीडिया सेलेक्ट करना है उसके बाद आप जो आपको मैं दिया हो फ्रेम वो आपको डाउनलोड करना है अगर आप चाहते तो कन्वर्टरी में मिलता है वहाँ से लेकिन वहाँ से ये बार बार ऑफ होता था इसलिए मैंने इसको इरेज कर लिया तो आप चाहे तो कहीं से ले लेते हैं ऐसा बैकग्राउंड और वह मिलेगा आप जोड़ सकते हैं तो सिंपली देखिए इसको भी आपको एनिमेशन बनाना है जहाँ से ख़त्म होता है इसके बाद देखिए उसके बाद इसको नीचे को सलाइट करके लगा देनी है सिंपली देखिए इसको फिर ऊपर साइड करके जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको लगा देना है देखिए आपको मैच कर लेनी है कि अच्छा से मैच हुआ है नहीं थोड़ा तो सा और में नीचे आएगा तो सिंपली आपको इस तरह से मैच करा लेनी है मैच कराने के बाद देखिए और इसको बैक कर देना है बैक कर बैक कर देने के लिए आपको बताया भी किया था मैं पहले तो बैक अभी नहीं किया आप बैक कर देंगे इसको बैक कर दिए तो देखिए आप ये आगे से सो कर रहे हैं आपको तो फिर से मीडिया सेलेक्ट करना है और जो कि आपको बताया था रिकॉर्ड करना है आपको फोटो का बोला का इसको मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ इसको सिर्फ भी आपको क्रॉप करना है उसके बाद देखिए इधर से भी आपको कट कर देना है इतना उसके बाद इसको इधर से इतना इधर से भी इतना कट कर लिया उसके बाद इसको क्रोमा की पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना हट जाएगा अपना बैकग्राउंड उसके बाद आपको यहाँ सिंपली ऐसे बैठा देना है आप जहाँ भी बैठा सकते हैं उसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट उसके बाद इसको क्या करना है इसको आपको क्रॉप क्रोपलक्शन पर क्लिक करके इस तरह से करना है उसके बाद इसको फुल कर देना है इसको उठा कर थोड़ा सा ऊपर आधा पे कर देंगे हाफ़ मैंने इसको रहेगा उसके बाद इसको इस तरह से सेट कर देना है आपको देखिए मैं जैसे कि कर रहा हूँ सिंपली आप देखिए उसके बाद आपको सिंपली इस पर थोड़ा सा क्वालिटी को कम कर देंगे उसके बाद उसको फ्रंट पर करके इसको बैक कर देंगे उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है एक और भी सी ऑप्शन है सिंपली मैं बैठा लेता हूँ ठीक से तो मैं इसको देखिए फाइनली बैठाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर रोटेड्लिस में क्लिक करना है कि यहाँ पर आपको इसको ऑप्शन को चूज करना है उसके बाद देखिए इस तरह से आपको हो जाएगा तो आपको सिंपली मैं वीडियो चला कर दिखाता हूँ देखिए एक वीडियो बनकर तैयार हो गया तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ